हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको ककारा के माध्यम से बताएंगे कि कैसे किसी का हिंदी में दिया हुआ नाम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और कैसे इंग्लिश में दिया हुआ नाम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। और साथ ही साथ यह वीडियो हिंदी रीडिंग और इंग्लिश रीडिंग में भी सहायता करेगी। सो चिल्ड्रेन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये ककारा दिया हुआ है, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और आप देख रहे हैं अ से लेके अ तक ये वावेल है यानी स्वर है, बाकी क से लेके ज्ञ तक ये क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। और ये वीडियो उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जिनको इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है या जो लोग किसी का नाम इंग्लिश में बनाने में जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये एक अच्छी वीडियो है। तो चलिए हम आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी का यानी नेम दिया हुआ नीचे, इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। दिया है सागर, सागर सागर यानी स पे पड़ा की मात्रा है। आप लोग जानते हैं यस यानी सस होता है यस ए, ठीक। लेकिन यस ए कहाँ होगा, जहाँ पे स पे कोई मात्रा ना हो, ठीक ना, जहाँ केवल स अकेले हो तब यस ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे स पे मात्रा है, बड़ा की मात्रा दी हुई है, ठीक। इसके लिए आप क्या करेंगे, यानी जो बड़ा की मात्रा है, होता तो डबल ए है लेकिन लगाते एक ही ए है, तो हम बड़ा की मात्रा है जिसकी स्पेलिंग हो जाएगी ए, हो गया सा। ग, ग की स्पेलिंग जी ए होता है, तो जी ए ही लिखेंगे क्योंकि ज पे कोई मात्रा यानी ग पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए जी ए। र, र की स्पेलिंग होती है आर ए, लेकिन ये अंत में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए अंत में है तो हम ए नहीं लगाएंगे, केवल ए ही यानी आर ही लिखेंगे, ठीक। तो ये आपकी बन गई स्पेलिंग सागर, यानी सागर की स्पेलिंग बन गई। ऐसे ही आप नेक्स्ट बनाएंगे, दिया है मुकेश, ठीक है, तो म की स्पेलिंग होती है यम ए, लेकिन म नहीं है, ये म है, म पे छोटा मात्रा है, मुंह है, ठीक। तो जब माता रहेगी तो ए नहीं लगाएंगे, हमने आपको बता चुका है। तो यहाँ पे जो मात्रा रहेगी उसकी स्पेलिंग, ये मात्रा किसकी है, छोटाओ की, और छोटाओ की स्पेलिंग आप जानते हैं क्या होता है, यू, ठीक है, छोटाओ की स्पेलिंग होती है यू, तो हम लिखेंगे यू। अगला क्या है, केस, क, क की स्पेलिंग के ए होती है, लेकिन क अकेले रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे क, क पे ए की मात्रा है और ए की स्पेलिंग होती है ई, तो हम लिखेंगे क, क से के और ए की मात्रा से ई। स से होता है एस एच ए, लेकिन ये स लास्ट में है तो हम ए नहीं लगाएंगे, हमने आपको बता चुका है, केवल हम लिखेंगे यस एच। ये आपका हो गया मुकेश। नेक्स्ट ऐसे ही है कुसुम, यानी कुसुम कप भी मात्रा है, सप भी मात्रा है और मत नहीं है, तो कप मात्रा है जिसके लिए के ए नहीं लगाएंगे, के और जो इस यानी जो मात्रा दी हुई उसकी स्पेलिंग छोटा की मात्रा है, इसकी स्पेलिंग छोटा हुई यहाँ है, इसकी होती यू, ठीक। फिर स है, स की स्पेलिंग एस ए होती है, लेकिन यहाँ पे स पे मात्रा है तो अब मात्रा की स्पेलिंग लिखेंगे ए ना लिख करके, तो मात्रा है छोटाओ की, तो यू। म है, म की स्पेलिंग होती है आपकी यम ए, बट अब जानते हैं कि लास्ट में है तो ए नहीं लगाएंगे, केवल लिखेंगे यम यानी कुसुम। और ऐसे ही आपको नाम मिल जाए जैसे प्रहलाद, तो प्र की स्पेलिंग हो जाएगी पी आर ए, ठीक है, पी आर ए। लेकिन यदि यही हो गया प्री, यदि प्री हो गया तो ए नहीं लगेगा, तो तुरंत लग जाएगा पी आर आई प्री, ठीक है, इसी प्रियंका मिल गया आपको, ठीक है, तो प्रियंका मिल गया, तो आप प्रियंका क्या लिखते हैं, प्रियंका, इसलिए बनाइए स्पेलिंग। तो पहले प्री है, तो आप जानते हैं प्र की स्पेलिंग पी आर ए, लेकिन इस पे मात्रा है तो छोटी मात्रा है, छोटी से आई प्री हो गया। अब यह के बाद न आ रहा है, फिर का बोल रहे हैं प्रियंका, तो यह है, यह अकेले है, तो वाई ए हम लिखेंगे, फिर न आ रहा है, जहाँ आधा ना रहेगा आधा मा रहेगा कुछ भी, यदि आधा रहता है तो वहां पे ए नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे आधा यन मानेंगे इसको, तो ये केवल यन लगेगा, ठीक। और क पे बड़ा की मात्रा है तो के, हो गया प्रियंका, ठीक ना। और ऐसे ही आपको कहीं मिल गया महेंद्र, ठीक ना, जैसे द्र की स्पेलिंग है, द्र की स्पेलिंग होती है डी आर ए, लेकिन आधा न और द्र हो जाएगा तो यन डी आर ए, जैसे हमने लिख दिया महेंद्र, महेंद्र लिखनी है, इसकी स्पेलिंग बनाएंगे तो म की स्पेलिंग एम ए, क्योंकि म पे कोई मात्रा नहीं है, और यच, यच ए होता है लेकिन मात्रा है तो यच ई, ए की मात्रा ई। अब देखिए नंद, नंद पे आधा न है, आधा न की स्पेलिंग होती है यन,
और आप जा रहे फिर द्र बचा, द्र की स्पेलिंग डी आर ए, ये आपका हो गया महेंद्र। ऐसे ही आप अनेक नेम बना सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में, और ऐसे ही यदि आपको दिया गया हो कि ये क्या लिखा, आपको हिंदी में पूछा जाए क्या लिखा हुआ, ऐसे यदि आप बनाएंगे प्रियंका लिखा हुआ, ठीक है ना, जैसे पी आर छोटी मात्र पी हो गया यंका, ठीक है प्रियंका। तो ऐसे ही आप हिंदी से इंग्लिश बना लेंगे और इंग्लिश रीडिंग भी कर सकते हैं मिला जुला के, ऐसे मिला मिला के पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर। और चिल्ड्रेन, ये आप लोग के सामने मात्रा दी हुई है, इस मात्रा को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसके नीचे कुछ नेम दिए हुए हैं जो आप लोग को प्रैक्टिस करना है, यानी इसे आप लोग इंग्लिश में बनाएंगे। फिर हम मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।